हेलो पीपल, वेलकम बैक टू हमारा छोटा मोटा चैनल जहाँ पे मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ तो तुम लोगों ने तो हद ही कर रखी है। वीडियो देखे जा रहे हो और सब्सक्राइब करने की सोच ही नहीं रहे हो, ये भला कोई बात हुई है? नहीं, ये कोई नंबर हुआ? कम ऑन यार, हद कर दो तुम लोग। 2 सेकंड का काम है, दबा दो बटन और कर लो सब्सक्राइब, हमें भी मोटिवेशन मिलेगी। बस आज तुम नाम से कंफ्यूज मत हो जाना, बिकॉज नाम सेम है बस कारनामे अलग है। बिकॉज हियर वी आर वंस अगेन विद अ डेविड धवन मूवी विद अ डबल रोल, तो ऑब्वियसली इट हैज टू बी इंस्पायर्ड बाय शेक्सपियर का कॉमेडी ऑफ एरर्स। लेकिन चीजें रोमांचक तब हुई जब मुझे पता चला कि ये मूवी तो विल स्मिथ और मार्टिन लॉरेंस वाली बैड बॉयज से भी इंस्पायर्ड है। अच्छा बात नहीं है। तो अपना दिमाग रख दो थोड़ा साइड में और ध्यान से देखना, कहीं भी कुछ भी हो जाता है यहाँ पे। अंदाज याद है ना? याद कर लो, छोटी बात नहीं है, जान को जोखिम रहता है यहाँ पे, क्योंकि कहानी शुरू होती है एक गुफा कम बंगला कम वेयर हाउस से, जहाँ है मूवी का विलन जोरावर, जो विलन होने के साथ साथ एक अच्छा एंटरप्रेन्योर भी है, क्योंकि इसका धंधा इतना अच्छा चल रहा है कि बंदे ने अपने गुंडों को यूनिफॉर्म दिलवा रखी है इंस्पायर्ड बाय सेयंस का आर्मर। ही जेन्युइनली बिलीव्स इन अ हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट। लेकिन वहां आया इसकी कंपनी का मैनेजर, तो ये बोला, मेरी खोपड़ी में कितना टेंशन है तेरे को मालूम क्या? एंड दैट इज बिकॉज शहर में आए हुए हैं दो नए ठुल्ले पांडू दरोगा। तो कट टू लॉकअप, आई रिपीट लॉकअप, जहाँ पे ये दो लौंडे, एक्चुअली एक लौंडा और एक अंकल जी, पहन के बैठे हैं जेल के कपड़े और लॉकअप की सलाह के काट के 4-5 ठुल्लों को कूट के केकड़ा चाचा को लेके हो गए फरार। लेकिन पीछे पीछे आ गई पुलिस, मतलब पूरी की पूरी पुलिस फोर्स अपेरेंटली, और उनके साथ साथ कमिश्नर, और आके बोला, सुंदर काला ज्यादा होशियार बनने की कोशिश ना करना, मेरे हर आदमी के हाथ में बंदूक और जेब में पिस्तौल है। तेरे आदमियों के हाथ में बंदूक है ना, तेरे तो नहीं। खड़ा हूँ आज भी वहीं कि दिल फिर बेकरार है। लेकिन सरप्राइज सरप्राइज, ये दोनों हैं इंस्पेक्टर, और ये था इनका प्लान इसके बॉस को पकड़ने का। तो ये ली इन्होंने बंदूक एंड गेम ओवर। ना तारीख ना सुनवाई, सीधा इंसाफ, वो भी ताबड़तोड़। तो ये खतरनाक ऑपरेशन एग्जीक्यूट करके इन दोनों को मिल गई छुट्टी। तो पहले इंस्पेक्टर छोटे गया अपनी बंदी से मिलने और बोला, अरे मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं तुमको मिलना ही छोड़ दूँ। क्या मतलब? मेरा मतलब शादी कर लूँ मैं तुमसे। लेकिन अब पहले करानी पड़ेगी लड़की के बड़े भैया की शादी। तो ये गए इंस्पेक्टर बड़े के घर। ओ बहन छोड़, नहीं आई मीन बहन छोड़ साले, ये तो इंस्पेक्टर बड़े की बहन है। साला पार्टनर की बहन पे नजर डालता हराम खोर। लेकिन ये लड़की भी बड़ी चालाक है भाई, तो इसने निकाली भैया की शादी की बात, तो भगवान की दुआ से आंटी ने करी एकदम पते की बात। अपनी उम्र तो देखो, कुछ दिनों के बाद तो रिश्ता मांगते हुए भी शर्माएगी। So he called my father and spoke to him. My father was not very happy. मॉमी इज द रियल ओजी। बट एनीवे, मीनवाइल यहाँ चल रही है जोरावर की मीटिंग किसी होटल के कमरे में, और इस कमरे में है कैमरा जिससे सबूत इकट्ठा कर रहा है ये छोटा दरोगा। लेकिन ये कैमरा दिख गया जोरावर को, और बजट कम होने की वजह से कैमरा नहीं था वायरलेस, तो जोरावर ने उठाया इसका वायर और फॉलो करके दिव्या द हाउसकीपर से दरवाजा खुलवा के कमरे में घुस के दरोगा को कर डाला प्यू प्यू। लेकिन ये प्यू प्यू देख के दिव्या जी की फटके 4, तो ये भाग के गई पुलिस स्टेशन जहाँ मिले इंस्पेक्टर बड़े छोटे। तो लिखवाई इसने अपनी कंप्लेंट, लेकिन इंस्पेक्टर छोटे छोटा नहीं, बहुत बड़ा चमड़ी है। तो मीठी मीठी बातें करके इसे कर दिया घर पे ड्रॉप और बोला, क्या खूनी के मिलने पर ही हम लोग मिलेंगे? मैं समझी नहीं। मेरा मतलब है मैं कभी आपको चाय पे बुलाना चाहूँ, कहीं डिनर पे ले जाना चाहूँ, तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं भाई ये आदमी। एंड इन अदर न्यूज, गेस करो दिव्या के घर पे कौन है? बड़े बिज्जल देव की बीवी, भल्लाल देव की माँ, और बाहुबली की चाची, और इसकी बेस्टी जवान साक्षात शिवगामी। तू मेरे पापों का प्रायश्चित चाहता है तो मेरे प्राण ले ले। तो दोनों बेस्टी बैठेंगे डिनर करने, बट होल्ड अप, बिकॉज जोरावर तो इसके घर का पता लगा के यहाँ भी प्रकट हो गया। तो फिर क्या, कर दिया इसको भी प्यू प्यू। लेकिन अब ये प्यू प्यू देख लिया शिवगामी ने, तो अब इसकी बारी। ये क्या साला, क्या गुंडा बनेगा रे तू? लेकिन ये शिवगामी है ब्रो, तो ये भाग गई। अब भाग के छुप गई किसी बिल्डिंग की टेरिस पे, जहाँ पीछे पीछे आया जोरावर विलेन .org का मैनेजर एंड असिस्टेंट मैनेजर, और चूतियों की तरह जाके खड़े हो गए एज पे। तो आया वन ऑफ द रेयरेस्ट मोमेंट्स इन बॉलीवुड हिस्ट्री, कि पीछे से आई शिवगामी और दे दिया इनको धक्का बिल्डिंग से।
तो छिपते छिपाते अगली रात किया इसने फोन सीधे कमिश्नर को और बोली, मैं बात करूंगी तो सिर्फ इंस्पेक्टर छोटे से, नहीं तो फक ऑफ। लेकिन सिंस छोटे तो अवेलेबल है नहीं, तो छोटे के नाम पे इसकी बात करा दी बड़े से। तो बड़ा गया इसे रेस्क्यू करने, एंड फॉर हर सेफ्टी इसको चाहिए था एक सेफ ठिकाना, तो ये ले गया इसको एक ठरकी बैचलर इंस्पेक्टर छोटे के घर। इतनी सारी लड़कियों के फोटोज, ये सब आपकी गर्लफ्रेंड्स हैं? नहीं नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं, ये तो सब वांटेड है। विनाश काले विपरीत बुद्धि सब दिखाई दे रहा है। वो तो शुगर है कि कुछ खिलौने वगैरह नहीं मिल गए भाई, दीवारों में छेद नहीं मिल गए भाई, कहीं पे स्पॉन्ज पड़े हुए नहीं मिल गए भाई। तो छोटे आके बोला कि बेटे अगर ऐसी बात है तो मैं रहूंगा तेरे घर। सिंपल है, मतलब यू नो बॉर्डर सिस्टम अंडरस्टैंडेबल। लेकिन इसी का तो इसको इंतजार था, तो घर खाली देख के गाना शुरू। एक बाप के होगी तो हमको पहले दोगी। खैर अब गुलछर्रे उड़ाते उड़ाते निकल गए कुछ दिन, क्योंकि कोई खूनी खुले में घूम रहा है उसकी तो किसी को चिंता ही नहीं है। तो शिवगामी को आने लगे नाइटमेयर्स। तो अब इनके अंदर का पांडू जागेगा और खड़ा करेगा ये 6-7 गुंडों को। लेकिन अब देखो धवन अंकल के पास कोई रीजन तो है नहीं, बट गाना है जो मूवी में बजाना है, तो क्या किया जाए? सिंपल है, पहले लड़की को चूतिया हरकतें करते दिखाओ, लाइक दिस। ये कौन है? नहीं साहब, बोल कौन करता तुम्हारे साथ? सब मैं। अबे पल्ला तेरी। अरे ये क्या कर रहे हो? ये वो नहीं है। फिर इसका नाम क्यों लिया तुमने? ऐसे ही इतनी भी बुद्धि नहीं है? मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है। अब फिर अंकल जी गाली दे तो बोली, जबरदस्ती पहचानू क्या? एक तो मैं वैसे परेशान हूँ और ऊपर से तुम चिल्ला चिल्ला कर बात करते हो, मैं जा रही हूँ। देखा अपने लापरवाही का नतीजा, भारत पोलियो मुक्त है पर दुनिया नहीं। लेकिन भाई इससे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये रहते बम्बई में, पुलिस वाले बम्बई के हैं, पुलिस फोर्स पुलिस स्टेशन इनका बम्बई में है, लेकिन दीदी भड़क के निकली तो ये पहुँचे सीधा मॉरिशियस। अच्छा बात नहीं है। और मॉरिशस के गुंडे तो इतने ज्यादा फॉरवर्ड हैं कि भरी दोपहर में खुले में लड़की पकड़ लेते हैं। लेकिन अमित जी अपने स्टड आदमी है भाई, ये मारा एक एक घूसा और गुंडे खत्म। तो ये घूसे देख के ट्रिगर हो गया शिवगामी का बाइपोलर डिसऑर्डर, तो ये बोली, चलो ना। कहा? घर चलेंगे। अरे और घर पहुंचते ही डायरेक्टर ने कराया महेंद्र बाहुबली। वहां से लेकर जाता मैं तो हटेली इलाके का, मैं पान खाता हिंदुस्तान आता अफगानिस्तान पाकिस्तान। भाई साहब नो वंडर इसके बाद इन्होंने बॉलीवुड क्यों छोड़ दिया, बट सैडली वापस आई भी तो लाइगर में। खैर तो अकॉर्डिंग टू आर बॉलीवुड रूल बुक अब गाना हो गया है, तो आए इंस्पेक्टर छोटे और पूछा, क्या तुम इसे प्यार करती हो? चरवा के मुंडी नीचे यानी कि ग्रीन सिग्नल, क्या तुम इसे प्यार करते हो? जी जी जी, आंखें देखो, नियत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। तो अब जब दोनों हीरोज को लड़की मिल चुकी है, तो एंट्री करी जोरावर ने अपनी बिल्डिंग से गिर के भी जिंदा पंटरों के साथ, जहाँ पे ये दोनों ऑलमोस्ट ट्रेनिंग करते हुए कहीं घूमने निकल रहे थे, बट ये शुरू गोलाबारी। और गोलाबारी खत्म हुई तो मारने की जगह ये उठा के ले गए लड़की, तो अब चेस शुरू। बट होल्ड अप, एक हीरो से नहीं चलेगा यार, पैसा तो दोनों ने लिया है ना। तो ये आया छोटे विद लिटरली मैचिंग आउटफिट और थोड़ी चेस करके कुछ दिन पहले बिल्डिंग से गिरे एम्प्लॉय को लेटर बॉक्स में ठोक के लड़की को बचा लिया। लेकिन अब अगले दिन ये दो महिलाएं मिली गिफ्ट शॉप में, क्योंकि इनके पास कुछ और काम धंधा तो है नहीं, बेरोजगारी भी बहुत है ना। तो दुकान में फाइनली इनको पता चला कि ये दोनों एक ही बंदे के नाम पे गीली होती हैं, दैट इज इंस्पेक्टर छोटे। तो ये बदतमीज प्लेबॉय वाली हरकतों की बात करने ये गए सीधे कमिश्नर के पास, एंड वंस अगेन धवन अंकल के पास रीजन तो कोई है नहीं, दो खून हो चुके हैं, खूनी आजाद है, उसकी चिंता भी नहीं है। तो भल्लाल देव की माता जी भड़क के निकल गई। तो कमिश्नर साहब बोले, हाँ मेरे ख्याल से ऐसी सिचुएशन में हो जाना चाहिए गाना। तो बेटे सोलो गाने तो हो ही गए थे, अब कपल गाना भी हो गया, तो अकॉर्डिंग टू दी बॉलीवुड रूल बुक पेज नंबर 111 अब शादी पक्की। तो मम्मी जी बोली, तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई तकलीफ ना आए। तो इसी बात पे धवन अंकल बोले, कौन है ये लोग? एंड बूम बड़े छोटे 2.0, जो कि वंस अगेन लिटरली मैचिंग कपड़े पहनेंगे पूरे मूवी में। अब ये दोनों इंडिया के कौन से गांव के किस नुक्कड़ से आए हैं पता नहीं, बट इनकी एक्सेंट ऐसी निकलेगी ना कि तुम्हारे शरीर की एक एक रेड ब्लड सेल क्रिंज से कपकपा उठेगी। बड़े ये लोग तो बहुत बेशरम लग रहे हैं। जिस जिसको हाथ से पिटना हो इनसे मिले, और जो लातों के भूत है ना
वो इनसे मिले पड़े है। हाँ। ये लड़की तारीफ और खातिर तो तभी करती है। हाँ। जब उसके मन में कुछ हो। हम लोग चाय नहीं पीते, हम लोग दूध पीते हैं। क्या दूध की बनी खीर खाते हैं, जा जाके खीर लेके आ। बट एनीवे दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट ये है कि ये दोनों एक नंबर के चोर डाकू लुटेरे हैं। कभी फेक एक्सीडेंट करवा के गाड़ी समेत लूट लेते हैं, कभी किसी नकली ट्रेन की अननोन बोगी में सबको बेहोश करके उनका लगेज लूट लेते हैं, और तो और लगेज को टेम्पो में रखने गए तो साला पूरा का पूरा टेम्पो भी उड़ा लिया। साबुत का साबुत। Jesus Christ. That's Jason Bourne. तो ये टेम्पो चुरा के निकले कहीं जाने के लिए, बट नेचुरली रास्ते में घेर लिया टेम्पो यूनियन वालों ने और राड़ा शुरू करे। ऐसे काटा कुटी जैसे मैंने करा, मैं तो माता बच्ची बिना पालू किसी का, मैं खालू किसी के, मैं फेवरेट रैपर, मैं हूं ऐसा रैपर। तो ऑब्वियसली सिंस ये बड़े छोटे हैं, इनके नाम पे पिक्चर है पूरी, तो हारने तो वाले हैं नहीं, ठीक है। बट जब तक हुई फाइट खत्म तब तक वहाँ आया शराफत अली, तो बड़े 2.0 ने पूछा, ये चोरी का माल यहाँ कहाँ बिकता है? वाओ, दैट इज वेरी स्ट्रेट टू द पॉइंट, गुड 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 जॉब आई गेस। तो चाचा जी ने बताया कि ये खड़े हैं चोर बाजार में, और ये खुद है चोर बाजार का लीडर एंड टॉप शार्क। तो इन्होंने किया अपना सबसे जरूरी सवाल जो मुंबई आने वाले हर ठरकी को होता है, कि हमने सुना है मुंबई शहर में बहुत रंग रैलियां। आप मुझे समझ क्या रहे हैं? दलाल, मैं मैनेजर हूँ, दलाल नहीं, मैनेजर हूँ, समझे? तो बेटे इसने बुलाए अपने पंटर जो अपेरेंटली 24/7 तैयार रहते हैं कोई भी कोरियोग्राफ म्यूजिक वीडियो करने के लिए। तो शुरू एक और गाना। नाउ सिंस एक शहर में डबल डबल रोल्स वाले लोग आ ही चुके हैं, तो इनकी रंग रलियों के बीच इन्हें मिला कमिश्नर, तो इन लोगों ने बेल दिया और अगली सुबह गाली पड़ी दरोगा बड़े छोटे को। और इनके काम से कमिश्नर खुश तो वैसे भी नहीं था, और आज पिट भी गया, तो इसने भेज दिया इनको डेविड धवन के सेट पे फॉर अ कैमियो। एंड वंस अगेन नॉट टू फॉरगेट, नेवर टू फॉरगेट, वंस अगेन मुंबई बोल के इन्होंने दिखा दिया मॉरिशियस। और इत्तेफाक से यहाँ भी इनसे पहले पहुंचे बड़े छोटे 2.0। तो डेविड अंकल पूछे, कौन है ये लोग? देख रहे हो स्टैनली बनने की पूरी प्लानिंग थी अंकल जी की, बस ऑडियंस ने साथ नहीं दिया। खैर तो जब तक ये इसका जवाब देगी तब तक ये दोनों करेंगे एक और म्यूजिक वीडियो। और फिर एक बार वही सेम बात कि म्यूजिक वीडियो हो गया है तो उम्मीदें भी जागेंगी। तो इन चूतियों को लगा कि माधुरी को इनसे करनी है शादी, तो ये गए हाथ मांगने, एंड एज एक्सपेक्टेड गाली देके भगा दिया। जेबार, हाँ जेबार। लेकिन अगली फ्लाइट से आए दरोगा बड़े छोटे, तो इनको भी पड़ी गाली और भगा दिया वापस पुलिस स्टेशन। एंड सिंस शेक्सपियर की कॉमेडी ऑफ एरर्स है तो और भी एरर्स होंगे, अभी देखते जाओ। तो कुछ दिन बाद आया बहन का बर्थडे, तो इंस्पेक्टर बड़े ने दिया नेकलेस का ऑर्डर। एंड इत्तेफाक पे इत्तेफाक व इत्तेफाक यहाँ भी पहुंचा बड़े 2.0, तो ओनर ने पकड़ा दिया नेकलेस इसको। लेकिन बाहर निकले तो मिली शिवगामी जो ले गई इसको अपने घर, पीछे पीछे आ गया छोटे, तो इन दोनों को अंदर लेके बैठ गए ये लोग लंच करने। लेकिन ये साले बिल्कुल निहायत ही चोर है, तो डाल दी लंच में नींद की दवाई, जो मम्मी जी पे तो सही काम कर गई भगवान का शुक्र है, लेकिन बाकी दोनों लौंडियों पे हो गया वायगरा वाला असर। तो इसी बात पे वंस अगेन फॉर नो रीजन एट ऑल गाना शुरू। तो हर मोट हमर छोट बानू खाता जीजा, तो हर मोट हमर छोट बानू। तो गाना खत्म होते होते आ गए दरोगा बड़े छोटे, जिनको देख लिया बड़े छोटे 2.0 ने, तो ये दोनों कट लिए। लेकिन कल्टी लेके पहुंचे शराफत अली के पास, तो पता चला कि यहाँ पे पड़ी थी रेड और शराफत हो गया गिरफ्तार। तो इन्होंने चलाया अपना दिमाग और थाने में कॉल करके बोला कि भैया मुलुंड में होने वाली है बहुत बड़ी तस्करी, जाओ और जाके प्रमोशन करवा लो। और ये ठहरे चूतिए, तो खबर मिली नहीं कि काम काज छोड़ के गायब। और इनके गायब होते ही आए बड़े छोटे 2.0 और बहुत सारी बकचोदी करके ले गए शराफत अली को अपने साथ। अच्छा बात नहीं है। तो वही हुआ जो होना था, कमिश्नर ने मारा इनका कूला और दे दी लास्ट वार्निंग विद अ न्यू टास्क कि कोहिनूर हीरे के हो गए हैं दो टुकड़े। क्या? कब? जिसमें से एक आ रहा है इंडिया। क्या? कैसे? और रखा जाएगा म्यूजियम में, तो उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इन दोनों की। कुछ भी, कुछ भी। सो लाइक आई सेड ये दोनों अव्वल नंबर के चूहे हैं, तो ये चले गए किसी लोकल रेस्टोरेंट में और बैठ के करने लगे डिस्कस कोहिनूर के डिटेल्स। और किस्मत है इनकी इतनी खराब कि दूसरी तरफ बैठे थे बड़े छोटे 2.0, जिन्होंने सुन ली सारी डिटेल्स और इन्हीं की गाड़ी में बैठ के पहुंच गए म्यूजियम। और गार्ड्स को तो कोहिनूर की पड़ी नहीं है, क्योंकि चोरी हुआ भी तो कौन सा इनको हिस्सा मिल जाएगा। तो किसी ने क्वेश्चन नहीं किया कि गाड़ी में से दो लोग और कैसे निकले, और अभी जो अंदर गए वापस बाहर कैसे आ गए। तो इसी बेवकूफी का फायदा उठा के ये घुसे अंदर, मिले सिक्योरिटी इंचार्ज से जो है अपनी टीम से भी बड़ा चूत, तो इन्होंने उठाया हीरा और ये भी लेके कट लिए।
ये कौन लिखा है लस्सी बेंचो, मेरे सामने लाओ। And as usual, as usual, दरोगा बड़े छोटे का मारा कूल्हा और इस बार फाइनली इनको कर लिया अरेस्ट। लेकिन अब तो बेटे जोरावर को भी चाहिए हीरा, और खबर छपी है ही कि हीरा चुराया दरोगा बड़े छोटे ने, तो जोरावर गया सीधे दरोगा बड़े की बहन के पास। साइड से आया उसका मैनेजर और बिठा दिया दीदी को गेयर स्टिक पे। तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। Meanwhile, बड़े छोटे 2.0 गए शराफत के पास हीरा बेचने, लेकिन शराफत ठहरा शरीफ आदमी, वो ऐसे बड़े हाथ मारता ही नहीं है, तो इसने भेज दिया इनको जोरावर के पास। सो नाउ जोरावर हैज द हीरा एंड द सिस्टर, अब बस चाहिए शिवगामी सो दैट महिष्मती इसका हो सके। तो इसने बुलाई बहन, इसने कर दिया पहचानने से मना, तो जोरावर बोला, देखा बेबी तेरे भाइयों को ही तेरी इज्जत की परवाह नहीं है, मुझे दोष मत देना, लूटो। तो जोरावर के इंडेस्ट्रक्टिबल पंटर, जो कि बिल्डिंग से गिर के लेटर बॉक्स से ठुक के भी हट्टे कट्टे रहते हैं, ये पड़ गए लड़की के पीछे। तो जागा इनके अंदर का इंसान और ये बोले, भाई साहब इतने भी क्या जल्दी, भाई साहब हमारे सामने तो मत करो, थोड़ा रुको जरा, हम जुगाड़ ढूंढ के आते हैं, चिल। तो फाइनली ये गए सीधे जेल, मिले दरोगा बड़े छोटे और कमिश्नर से, और फिर हुआ सारा दूध का दूध और दही का दही, और तीन तीन पुलिस वाले होते हुए भी प्लान बनाया इन दोनों चोरों ने। तो जब अनट्रेंड सेल्फ लर्निंग वाले चोर प्लान बनाएंगे तो चुतियाबा तो हो गई। तो इन चुतियों ने ऑर्गेनाइज करी एक डांस पार्टी, लिटरली गुंडों के एंटरटेनमेंट के लिए, खुद तो नाच ही रहे हैं बट साथ में नचा रहे हैं दोनों लड़कियों को बहन चोद, बताओ। तो आधे एक घंटे बेशर्मी का नंगा नाच करने के बाद इन्होंने दिया सिग्नल हो गया पोपट, क्योंकि जिन्होंने एंट्री लेनी थी वो तो टिपिकल पांडू की तरह लेट हैं। तो नाचते रहो। एंड जब फाइनली नाच के हो गई इनकी हालत टाइट, तो ये टूटा कांच और ये आए दरोगा बड़े छोटे, पीछे पीछे आए बाकी के पांडू कुछ इस तरह भागते हुए। एंड फाइनली जोरावर हो गया अरेस्ट एंड हैप्पी एंडिंग, यू विश। क्या है ना कि 10 मिनट की चीज को 2 घंटे का बनाने का स्वाद अलग ही कुछ आता है धवन अंकल को। तो जोरावर के पंटर उसकी गाड़ी लेके भाग गए और पहुंचे वंस अगेन बम्बई से सीधा मॉरिशियस, लेकिन बड़े छोटे 2.0 सबसे तेज हैं, तो ये भी पहुंचे इनसे पहले, और बस थोड़ा पेल पाल के थोड़ा नचा के आ गए वापस बम्बई। तो कमिश्नर साहब ने चलाया अपना तेज दिमाग और बना दिया इनको दरोगा, और दरोगा बड़े छोटे को डीमोट करके बना दिया ट्रैफिक हवलदार। अच्छा बात नहीं है। नहीं मतलब ऐसा सिर्फ धवन अंकल की पिक्चर में हो सकता है ना, कि टीचर्स आतंकवादी मार रहे हैं, स्टूडेंट्स बॉम्ब डिफ्यूज कर रहे हैं, छोटे चोर बड़े चोरों को पकड़ा रहे हैं, पुलिस वाले ट्रैफिक हवलदार बना दिए जा रहे हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है। बट एनी वे लड़कियों का क्या हुआ, शादी का क्या हुआ, कुछ पता नहीं, बस मूवी ख़त्म। और इस मूवी का नाम बड़े मियाँ छोटे मियाँ की जगह बड़ा क्रिंज छोटा क्रिंज होना चाहिए था, मतलब परफेक्ट सेंस बनता, बिल्कुल सेंस बनता।